डोनाल्ड ट्रंप की भारत में फिर पाकिस्तान की तारीफ। अमरीकी सदर ने नई दिल्ली में पाक भारत सालसी की पेशकश भी कर दी। कहते हैं इमरान खान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मोदी से पाकिस्तान से मुतल्लिक बातचीत हुई। ट्रंप ने दहशतगर्दी का मुकाबला करने पर पाकिस्तानी कौम को बहादुर करार दे दिया। टेक्सटाइल मिल्स मालिकान का एहतजाज काम कर गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एप्टमा रहनुमा गौहर एजाज को आज मुलाकात के लिए बुला लिया। मुलज़िमान मालिकान की इमरान खान से मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में होगी। बिजली बिलों पर खत्म सरचार्ज दोबारा आयद करने से दरपेश मसाइल पर बात होगी। चौधरी शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में यूसुफ अब्बास की जमानत पर रिहाई का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में तहरीक इंसाफ के सिफ्तान खान की जमानत का हवाला। यूसुफ अब्बास ने अकाउंट से कोई रकम नहीं निकलवाई। किसी मुलजिम को बतौर सजा जेल में नहीं रखा जा सकता। कराची के साबिक सिटी नाजिम नेमतुल्ला खान की नमाज जनाजा आज 1:30 बजे अदा की जाएगी। मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात नमाज जनाजा में शरीक होंगी। आज भी KMC की तमाम सरगर्मियां सौंफ में मुअत्तल। नेमतुल्ला खान ने सोगवारान में 7 बेटे 2 बेटियां छोड़ी। डोनाल्ड ट्रंप भारत में पाकिस्तान की तारीफें करते रहे तो मेलानिया ट्रंप पाकिस्तान के कौमी रंग का लिबास ज़ेब-ए-तन किए भारतीय सरजमीन पर उतरी। भारतीय सोशल मीडिया सारिफ रितेश शर्मा ने इस सब को भारत के लिए शर्मनाक करार दिया है। उन्होंने लिखा कि ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफें की, मेलानिया ने पाकिस्तानी रंग पहना, क्या इसमें भारत के लिए कोई पोशीदा पैगाम है? उन्होंने कहा कि भारत हर जंग हार गया, ये हमारे लिए शर्मनाक बात है। भारतीय सोशल मीडिया सारिफ रितेश शर्मा ने इस सब को भारत के लिए शर्मनाक करार दिया है। उन्होंने लिखा कि ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफें की, मेलानिया ने पाकिस्तानी रंग पहना, क्या इसमें भारत के लिए कोई पोशीदा पैगाम है? उन्होंने कहा कि भारत हर जंग हार गया, ये हमारे लिए शर्मनाक बात है। भारतीय सोशल मीडिया सारिफ रितेश शर्मा ने इस सब को भारत के लिए शर्मनाक करार दिया है। उन्होंने लिखा कि ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफें की, मेलानिया ने पाकिस्तानी रंग पहना, क्या इसमें भारत के लिए कोई पोशीदा पैगाम है? उन्होंने कहा कि भारत हर जंग हार गया, ये हमारे लिए शर्मनाक बात है। भारतीय सोशल मीडिया सारिफ रितेश शर्मा ने इस सब को भारत के लिए शर्मनाक करार दिया है। उन्होंने लिखा कि ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफें की, मेलानिया ने पाकिस्तानी रंग पहना, क्या इसमें भारत के लिए कोई पोशीदा पैगाम है? उन्होंने कहा कि भारत हर जंग हार गया, ये हमारे लिए शर्मनाक बात है। भारतीय सोशल मीडिया सारिफ रितेश शर्मा ने इस सब को भारत के लिए शर्मनाक करार दिया है। उन्होंने लिखा कि ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफें की, मेलानिया ने पाकिस्तानी रंग पहना, क्या इसमें भारत के लिए कोई पोशीदा पैगाम है? उन्होंने कहा कि भारत हर जंग हार गया, ये हमारे लिए शर्मनाक बात है। भारतीय सोशल मीडिया सारिफ रितेश शर्मा ने इस सब को भारत के लिए शर्मनाक करार दिया है। उन्होंने लिखा कि ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफें की, मेलानिया ने पाकिस्तानी रंग पहना, क्या इसमें भारत के लिए कोई पोशीदा पैगाम है? उन्होंने कहा कि भारत हर जंग हार गया, ये हमारे लिए शर्मनाक बात है। भारतीय सोशल मीडिया सारिफ रितेश शर्मा ने इस सब को भारत के लिए शर्मनाक करार दिया है। उन्होंने लिखा कि ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफें की, मेलानिया ने पाकिस्तानी रंग पहना, क्या इसमें भारत के लिए कोई पोशीदा पैगाम है? उन्होंने कहा कि भारत हर जंग हार गया, ये हमारे लिए शर्मनाक बात है।